है व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो है हमारा क्रैकर टेस्टिंग के ऊपर। और आप देख सकते हो यार हमारे पास कितने सारे न्यू क्रैकर हैं, और इन न्यू क्रैकर की आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं और देखते हैं ये क्रैकर कैसे चलते हैं। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा न्यू स्टेज आ चुका है, और न्यू स्टेज में बहुत सारे न्यू और यूनिक आइटम आए हैं जिनकी आपको टेस्टिंग आगे देखने को मिलेगी। तो चलो फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो के लिए हमारे पास कौन कौन से क्रैकर हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए हमारे पास सबसे यूनिक आइटम है ये हेलीकॉप्टर। आप देख सकते हो ये एक प्रकार का पटाखा है जो कि हेलीकॉप्टर की तरह उड़ता है, और देखते हैं कितना मजा आता है। वैसे इस हेलीकॉप्टर को ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, मैंने अलग अलग सिटियों में ढूंढा पर वह नहीं मिला, पर ये अब फाइनली हमें एक जगह पर मिल गया है। और अब इसकी टेस्टिंग करेंगे और देखते हैं कैसा चलता है और कितना मजा आता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ये श्री कृष्णा का स्काई शॉट। आप देख सकते हो ये श्री कृष्णा का स्काई शॉट है अमेरिकन। अब देखते हैं ये कैसा चलता है, और आप इसका सेल देख सकते हो कितना बड़ा सेल है और कितना मज़ा आएगा, और रात को कितना अच्छा लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। देखते हैं ये कैसा चलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलती है ये ज्योति की सूतली। आप देख सकते हो ये ज्योति की सूतली है, और इनकी पैकेजिंग अलग ही साइज़ की है। आप देख सकते हो इनकी बनावट अलग ही प्रकार की है, क्योंकि हमने जो भी सूतले होते हैं वो नॉर्मल स्क्वायर शेप में होते हैं, पर ये तो लंबी है। देखते हैं ये लंबी वाली स्काई ये सूतली कैसी चलती है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ये अनिल की सूतली। आप देख सकते हो ये अनिल की सूतली है, और देखते हैं ये कैसी चलती है। अब तक हमने वैसे नॉर्मल सूतलियाँ यूज़ की है, पर अब इस कंपनी वाले सूतली का यूज़ करेंगे और फिर देखते हैं कितना मज़ा आता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ये कोक की चक्कर है ये इस प्रकार की, और देख सकते हो कितनी मजबूत और बड़ी साइज़ की चक्कर है, और देखते हैं ये कैसी चलती है। वैसे तो अभी तक कोक का आइटम सब अच्छा चला है, तो इससे भी हम उम्मीद कर सकते हैं ये भी अच्छा चले। उसके बाद आपको देखने को मिलती है ये आज़ाद की स्पार्कल। आप देख सकते हो ये आज़ाद की स्पार्कल है, और इसके अंदर हमें 5 कलर देखने को मिलते हैं, रेड, ग्रीन, सिल्वर, जैस्मिन और क्रैकलिंग। तो देखते हैं ये कैसी चलती है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है मेरा फेवरेट गंगा जमुना। तो देखते हैं मेरा फेवरेट गंगा जमुना कैसा चलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है इस प्रकार के छोटे वाले मटका अनार। आप देख सकते हो ये छोटे मटका अनार है, और देखते हैं ये कैसे चलते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ये इस प्रकार की यूनिक चक्कर। आप देख सकते हो ये एक प्रकार की चक्कर है, और आप मान सकते हो ये एक प्रकार की चक्कर है, एक फ्यूज टाइप है, पर ये एक चक्कर है। आप इसकी टेस्टिंग तो ज़रूर देखना, और देखते हैं ये चक्कर कैसी चलती है। एक वायर की टाइप से है, देखते हैं ये कैसी चलती है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ये वनिता का फाउंटेन। आप देख सकते हो ये वनिता का फाउंटेन है, देखते हैं ये कैसा चलता है। वैसे तो अभी तक वनिता का आइटम सब अच्छा चला है, तो ये भी अच्छा चल सकता है। तो चलो फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, अपना छोटा भाई तो है। तो चलो फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कौन सा क्रैकर कैसा चलता है और वीडियो में कितना मजा आता है। लाइक जरूर कर देना। तो चलो फ्रेंड्स सबसे पहले टेस्ट करते हैं इस हेलीकॉप्टर का, और देखते हैं ये हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो वो हेलीकॉप्टर जोरदार चला है, और आप देख सकते हो कितना दूर गया है ये हेलीकॉप्टर। सच में एक नंबर चला है ये हेलीकॉप्टर। और आपको ये पसंद आया हो ना, कमेंट में इसका नाम जरूर बताना, हेलीकॉप्टर। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं श्री कृष्णा के अमेरिकन स्काई शॉट का, और देखते हैं ये कैसा चलता है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यार सच में एक नंबर था ये स्काई शॉट, एक नंबर था श्री कृष्णा का अमेरिकन स्काई शॉट। इसके अंदर से हमें क्रैकलिंग देखने को मिली और अच्छा चला। चलो नेक्स्ट का टेस्ट लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं सबसे अमेजिंग और ये फ्यूज टाइप वाली ग्राउंड व्हील का, और देखते हैं ये कैसी चलती है। और आपने देखी है इस प्रकार की ग्राउंड व्हील, सच में यार एक नंबर का पटाखा। आप देखते हैं ये कैसा चलता है, इसको आग लगाते हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये ग्राउंड व्हील अच्छी चली, इनकी प्राइस के हिसाब से तो अच्छी चली। चलो नेक्स्ट का टेस्ट लेते हैं।
तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस वनिता के स्पीक का और देखते हैं ये कैसा चलता है। वैसे तो ये खिलौना टाइप दिख रहा है, देखते हैं ये कैसा चलता है। अनार है, और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यार जोरदार था ये स्पीक वनिता का अनार, इसके अंदर से बहुत तेज क्रैकलिंग भी हुई। चलो नेक्स्ट का टेस्ट लेते हैं, अच्छी क्रैकलिंग थी इसके अंदर से। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस कोक ब्रांड की राउंड व्हील का और देखते हैं ये कैसी चलती है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यार सच में कोक ब्रांड की ग्राउंड चक्कर तो अच्छी चली और इसकी टाइमिंग भी अच्छी थी और ज़्यादा समय तक जल पाई। चलो नेक्स्ट का टेस्ट लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस मटका अनार को और देखते हैं ये कैसा चलता है। और इसकी एक ये खासियत है कि इसके ऊपर एक फ्यूज़ आता है जबकि दूसरे वाले मटका अनार में फ्यूज़ नहीं आता है। तो चलो फ्रेंड्स इसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा चलता है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये मटका अनार अच्छा चला है, इसकी प्राइस के हिसाब से तो अच्छा चला क्योंकि ये 25 रुपये का मटका अनार था और अच्छा चला। चलो नेक्स्ट का टेस्ट लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स आप टेस्ट करते हैं इस बिग बॉस सूतली का और देखते हैं ये बिग बॉस सूतली कैसी चलती है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यार बिग बॉस सूतली भी जोरदार चला और इसके अंदर से बहुत तेज आवाज आई, अच्छा चला। चलो नेक्स्ट का टेस्ट लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस आजाद की कलरफुल स्पार्कल का और देखते हैं ये कैसी चलती है। एक रेड है, एक ग्रीन है, एक रेड है। दुकान वाले ने तो काला बोला था इसके अंदर 5 कलर आते हैं पर इसके 2 कलर तो एक जैसे हो गए रेड और ग्रीन, पर अच्छी है। चलने में तो अच्छी चल रही है और इनके अंदर से अलग अलग कलर भी है। अच्छी है ये आजाद की स्पार्कल। चलो नेक्स्ट करेगा टेस्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसा चलता है। और आपको ये पसंद आई हो ना कमेंट में इसका नाम जरूर बताना, आजाद स्पार्कल इस प्रकार की थी और अच्छा टाइम भी है, ये करीबन 2 मिनट तक चली है। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस अनिल के सूतली का और देखते हैं ये अनिल का सूतली कैसा चलता है। और फ्रेंड्स सच में यार अनिल का सूतली जोरदार था, इसने साबित कर दिया कंपनी का आइटम कंपनी का होता है, अच्छा चला। चलो नेक्स्ट का टेस्ट लेते हैं और देखते हैं वो कैसा चलता है। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस गंगा जमुना को और देखते हैं ये कैसी चलती है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये गंगा जमुना भी अच्छी चली है, जोरदार चली है। चलो नेक्स्ट का टेस्ट लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस पिजन फाउंटेन का और देखते हैं ये कैसा चलता है। और इसके अंदर से हमें इस प्रकार की बटरफ्लाई यानी तितलियाँ देखने को मिलती है, अब देखते हैं ये कैसी चलता है। वैसे दुकान वाले तो बोलते हैं, अब देखते हैं चलता है या नहीं। दुकान वाले ने तो कहा इसके अंदर से बटरफ्लाई जैसे स्पार्कल दिखेंगे, हमें स्पार्क दिखेंगे और इसे हमें दूर से लगाना है इसलिए हमें स्पार्कल का यूज़ करना चाहिए।
और फ्रेंड्स आप देख सकते हो पिजन अच्छा चला है और इसके अंदर से बटरफ्लाई जैसी स्पार्क तो हमें देखने को मिला है। तो चलो फ्रेंड्स आप टेस्ट करते हैं इस ब्लूट बम का और देखते हैं ये ब्लूट बम कैसी चलती है। और ये ब्लूट बम भी जोरदार थी और इसकी आवाज़ चारों तरफ से गूंज गई। सच में ये भी एक नंबर का पटाखा था। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं।